मेजबानों ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का दिया भारतीय टीम को आमंत्रण। इंडियन टीम की प्लेइंग 11 रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चार, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल। शिखर धवन जो कि लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे, इस बार प्लेइंग 11 में शामिल किए गए हैं। इंडियन ओपनर्स मैदान में मिचेल स्टार्क पहला ओवर लेकर रोहित शर्मा के लिए पहली बॉल, 4 लेंथ की बॉल, जोरदार आउट की अपील। यहां पर एम्पायर ने नकारा, क्या फील्ड एम्पायर के डिसीजन को चैलेंज करेंगे ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन या फिर नहीं, यहां पर मना किया रिव्यू लेने। शिखर धवन स्ट्राइक में जॉस एजलवुड की अगली बॉल पुश किया है, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। अगली बॉल बेहतरीन टाइम किया शिखर धवन ने, उठाकर खेला और मिले मैक्सिमम। इसी 6 के साथ शिखर धवन ने इस मैच में अपना खाता खोला, लंबे समय के बाद वापसी की और 6 के साथ किया अपने पारी का आगाज। 2 की समाप्ति पर 12 रन इंडियन टीम और दोनों ही बल्लेबाजों ने 6 रन बनाए हैं 6 बॉल में। अगला ओवर लेकर मिचेल स्टार्क नए खाते का दूसरा ओवर, ये बेहतरीन डक शॉट रोहित शर्मा के बल्ले से निकलता हुआ एक और 6। मिचेल स्टार्क इस बाउंसर को तब्दील किया रोहित शर्मा ने 6 रनों पर। बॉल में अतिरिक्त उछाल था लेकिन खूबसूरती के साथ उसे खेल दिया थर्ड मैन की दिशा में 6 रनों के लिए। लाजवाब रोहित, ये दूसरा छक्का रोहित शर्मा के बल्ले से निकलता हुआ, कमाल का था ये डक शॉट। अगली बॉल मिचेल स्टार्क की रोहित शर्मा के लिए, एक और 6 लीजिए रोहित शर्मा के बल्ले से। ये ओवर मिचेल स्टार्क का बेहद महंगा साबित होता हुआ ऑस्ट्रेलियाई टीम के नजरिए से। शॉर्ट पिच बॉल थी लेकिन आउट स्विंग थी और उसे बदला 6 रनों में। फिर एक बार बल्लेबाज रोहित शर्मा, 90 मीटर लॉन्ग सिक्स था ये, 4 बॉल में 12 रन दे दिए अभी तक। मिचेल स्टार्क ने पुश किया है बॉल को, फील्डर मौजूद है, सिर्फ मिलेंगे 1 रन। 11 बॉल पर 19 रन रोहित शर्मा के बल्ले से निकलते हुए। अगला ओवर लेकर जॉस एजलवुड, अगली बॉल बाहरी किनारा बल्ले का हल्का सा, बॉल को सॉफ्ट टच दिया रोहित शर्मा ने, विकेट कीपर और फ्लाई स्लिप फील्डर के बीचों बीच से निकलता हुआ यह चौका, कमाल का था ये शॉट। सिर्फ हल्का सॉफ्ट टच दिया, विकेट कीपर ने पूरी कोशिश की लेकिन पकड़ने में सफलता हासिल नहीं हुई। फ्लाई स्लिप के फील्डर ने लास्ट तक बॉल का पीछा जरूर किया पर पकड़ नहीं पाए। शिखर धवन स्ट्राइक में, मिचेल स्टार्क की बॉल हल्का सा, बॉल को दिशा दी और 4 रन मिले हैं। पहले ही देख लिया था कोई फील्डर मौजूद नहीं और इस बात का फायदा उठाया शिखर धवन ने, सिर्फ हल्का दिशा दिखाई, बॉल को जाने दिया 4 रनों के लिए। आउटफील्ड बेहद तेज इस मैदान का, बॉल को पुश किया है फाइन की दिशा में, फील्डर मौजूद है। 5 ओवर में 35 रन बनाए हैं अभी तक इस ओपनिंग जोड़ी ने, 30 बॉल्स पर 11 रन शिखर धवन और 23 रन बनाए हैं रोहित शर्मा ने। अगली बॉल जॉस एजलवुड की पुश किया फाइन की तरफ, फील्डर मौजूद है। इसी के साथ रोहित शर्मा स्ट्राइक में, जॉस एजलवुड की बॉल रोहित शर्मा के लिए, बॉल को पुश किया है, पीछे फील्डर मौजूद है नहीं, बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। एक और चौका रोहित शर्मा के बल्ले से निकलता हुआ, फुल लेंथ की बॉल थी, उसे तब्दील किया 4 रनों में रोहित शर्मा ने।
फाइन की दिशा में खेला, कोई फील्डर मौजूद नहीं। मिचेल स्टार्क की अगली बॉल, 3 ओवर में 24 रन दिए हैं अभी तक, बेहतरीन स्ट्रोक, गली और पॉइंट के फील्डर के बीचों बीच से खेला हुआ यह शॉट, लास्ट तक पीछा जरूर किया लेकिन पकड़ नहीं पाया इस बॉल को। ये शिखर धवन की क्षमता दिखाता है यह शॉट, गली और पॉइंट के बीच से निकाला हुआ ये शॉट, सफल हुए। एक और चौका शिखर धवन के बल्ले से निकलता हुआ, मिचेल स्टार्क की अगली बॉल, और यहाँ पर आउट की जोरदार अपील है, बॉल बैट्स में लगी है लेकिन फील्ड एम्पायर ने मना किया। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई टीम फील्ड एम्पायर के डिसीजन से संतुष्ट है, रिव्यू के लिए जाना नहीं चाहती। मिचेल स्टार्क की अगली बॉल धवन के लिए, फिर से एक सॉफ्ट टच दिया बॉल को, थर्ड मैन की दिशा में गई बॉल और देकर गई है 4 रन, वो भी शिखर धवन को। हर दिशा में शॉट खेल रहे हैं, पूरा फायदा उठा रहे हैं, जहां पर फील्डर नहीं है साइड शॉट खेलने में फोकस है दोनों ही बल्लेबाजों का। और अभी तक रोहित शर्मा और शिखर धवन ने जल्दबाजी नहीं की, बॉल को आने दिया, फिर शॉट खेला और एक और टक शॉट, इस बार बॉल ऊपर हवा में और गई बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और 6 रोहित शर्मा के खाते में जोड़ता हुआ। शिखर धवन जोर से चलवट किए, बॉल हल्का सा बाहरी किनारा बल्ले का दिया और 4 रन। थर्ड मैन की दिशा में एक और चौका चलता हुआ है, हेजलवुड की अगली बॉल, उस किया है कवर की दिशा में, फील्डर पहुंचे लेकिन इसी के साथ 2 रन पूरे कर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। रोहित शर्मा मिचेल स्टार्क की बॉल, 4 ओवर में 39 रन दिए, आउट की अपील है, फील्ड एम्पायर ने मना किया। यहाँ पर विकेट कीपर और कप्तान के बीच चर्चा चलती हुई रिव्यू को लेकर, लेकिन मना किया विकेट कीपर ने। मिचेल स्टार्क की अगली बॉल, यहाँ पर ग्लेन